सो हाय गाइस, माय नेम इज़ गुरमीत एंड यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल सोल बाइकर। दोस्तों आज मेरे साथ है रेनॉल्ट RXT टर्बो वेरिएंट। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं विस्तार पूर्वक, इसके हर एक फीचर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चाबी के बारे में। तो अब चाबी में आपको जो है लॉक, अनलॉक और कुछ बूट खोलने के लिए और एक अंदर एक लैंप है वो छोटा सा, उसे जलाने के लिए आपको बटन मिल जाते हैं। और पीछे जो है रेनॉल्ट का लोगो आपको देखने को मिल जाता है। उसके अंदर ही जो है एक इमरजेंसी की भी दी हुई है। तो एक देखो, जैसा कि आपको पता ही है रेनॉल्ट की जो इस तरह की आती है उससे आप जैसे गाड़ी के पास जाते हो वैसे ही वो जो गाड़ी जो है अनलॉक हो जाती है। तो ये एक तरह का स्मार्ट फीचर है और जैसे रिक्वेस्ट सेंसर होते हैं उसी तरह से काम करता है। अगर हम बात करें इसके फ्रंट लुक के बारे में, तो सबसे पहले आपको जो है बीच में रेनॉल्ट का लोगो काफ़ी बड़ा देखने को मिल जाता है। उसके आसपास जो है क्रोम की लाइनिंग्स दी हुई हैं तो वो भी काफ़ी लुक को एनहेंस कर रही हैं। और यहाँ पर जो है आपको LED DRL देखने को मिलता है और नीचे जो है आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। उसके जस्ट नीचे अगर हम नज़र डालेंगे तो यहाँ पर जो है हेलोजन हेडलैम्प आपको मिलेगा। ये RXT मॉडल है, ये RXZ नहीं है, तो इस वजह से आपको इस मॉडल में हेलोजन हेडलैम्प मिलते हैं। और जो फ्रंट बम्पर है उसके लुक कुछ इस तरह की है, ब्लैक कलर में आपको दिया हुआ है। रेनॉल्ट का लोगो जो है काफ़ी खूबसूरत लगता है, इस तरह का बड़ा लोगो काफ़ी बोल्ड लुक आता है। और यहाँ पर जो है कुछ क्रीज लाइंस भी दी हुई हैं जिससे कि लुक जो है ना काफ़ी एग्रेसिव टाइप आता है, काफ़ी बेहतरीन आता है। तो अगर हम बात करें साइड की, तो इसमें जो है हमें 16 इंचेस के व्हील जो है बेस मॉडल से देखने को मिल जाते हैं। तो 195/60 R 16 इंचेस के हमें जो व्हील्स देखने को मिलते हैं इस मॉडल में, हमें व्हील कवर देखने को मिल जाता है। व्हील कवर में जो है आपको रेनॉल्ट का लोगो भी देखने को मिलेगा और ये C8 सिक्योर ड्राइव टायर्स हैं। तो अगर हम बात करें इसके ORVM के बारे में, तो ये जो है पियानो ब्लैक फिनिश में आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो है इंडिकेटर भी इसमें अवेलेबल हैं। और ये ऑटो फोल्डेबल नहीं है, अंदर से इनको फोल्ड नहीं कर सकते, बस हाँ इनको इलेक्ट्रिकली आप एडजस्ट ज़रूर कर सकते हो। दो वाइपर्स और वॉशर हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। और रूफ रेल्स जो हैं यहाँ हम देखने को मिलती हैं, और ये फंक्शनल रूफ रेल्स हैं, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, फंक्शनल है। बॉडी कलर आपको जो है डोर ओपनर मिलते हैं आउटसाइड वाले। और यहाँ की अगर हम बात करें तो ये स्टिकर है, ये कोई क्लेडिंग वगैरह नहीं है। तो व्हील आर्चेस जो हैं ब्लैक कलर के देखने को मिलते हैं यहाँ पीछे भी और आगे भी। तो इससे क्या होता है कि SUV टाइप लुक आ जाता है, तो काफ़ी बेहतरीन लगते हैं देखने में व्हील आर्चेस। साइड से जो है कुछ इस तरह की लुक आती है रेनॉल्ट टाइगर की। 205 mm का जो है आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, तो वो भी काफ़ी अच्छा है इस सेगमेंट में। सबसे ज़्यादा जो है आपको नेक्सॉन में देखने को मिलता है 209 mm का, सेकंड पे ये आती है 205 mm के साथ। और 405 लीटर का बूट जो आपको देखने को मिलता है। इसका जो व्हील बेस की अगर हम बात करें तो इसका जो व्हील बेस है वो आपको 2500 mm का देखने को मिलता है। तो इस वजह से जो है स्पेस काफ़ी अच्छा है इसके अंदर, इसका जो व्हील बेस है काफ़ी अच्छा है। और बाकी जो लेंथ विड्थ और हाइट है वो आपको जो है स्क्रीन पर शो हो रही होगी, तो वो भी आप कंपेयर कर सकते हैं बाकी गाड़ियों से। तो अगर हम बात करें रियर लुक के बारे में, तो इसका जो रियर स्किड प्लेट है या रियर बम्पर है वो सिल्वर और ब्लैक फिनिश में दिया हुआ है। पीछे की तरफ जो है हमें पार्किंग सेंसर्स अवेलेबल हैं जो कि 3 हैं। और यहाँ पर रेनॉल्ट की बैजिंग दी हुई है। और जो टेल लैंप है वो काफ़ी खूबसूरत हैं इसके, मतलब इसके जो डिज़ाइन है सी शेप में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और इंडिकेटर्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, ये रिवर्स के लिए हैं। और यहाँ पर सेंटर में जो है रेनॉल्ट का लोगो है, उसके ठीक बीच में आपको कैमरा देखने को मिलता है जिसकी पोजीशन मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पर जो है टाइगर की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये टर्बो वेरिएंट है इस वजह से यहाँ पर जो है आपको टर्बो की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। सेम टेल लैंप जो है काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं यार। टाइगर के जो रियर पार्ट के लुक है ना वो ज़्यादा मुझे अपील करती है। बात करें हम यहाँ की, तो ये यहाँ पर जो है आपको रियर वाइपर देखने को मिल जाता है। यहाँ आपको वॉशर अवेलेबल है, ये हाई स्टॉप लैंप है और कुछ इंटीग्रेटेड सा आपको स्पॉइलर दिया हुआ है जो कि काफ़ी बेहतरीन लुक देता है इस गाड़ी को। जैसा कि आप देख सकते हैं लुक में जो लुक एंड फील जो है ना डिज़ाइन वाइज जो है काफ़ी बेहतरीन है टाइगर। डिज़ाइन कहीं का भी ले लो, चाहे फ्रंट का ले लो रियर का ले लो, तो मतलब डिज़ाइन के मामले में काफ़ी आगे है रेनॉल्ट। और लुक एंड फील भी काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का। बात करें हम ऊपर की, तो यहाँ जो है आपको एक शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है। तो अब हम बात करें ड्राइवर डोर के बारे में, तो यहाँ आपको जो है ORVM सेल्टेड कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से जो है आप ORVM को एडजस्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिकली इस तरह से। और पावर विंडो सेल्टेड जो है कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड विंडो जो है ऑटो डाउन नहीं है और ऑटो अप भी नहीं है। और इनसाइड डोर ओपनर जो है आपको पियानो ब्लैक फिनिश में देखने को मिलता है जो कि काफ़ी प्रीमियम फील दे रहा है। और कुछ इस तरह की जो है कलर की आपको ये यहाँ पर एक डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है। और कुछ डिफरेंट यहाँ पर भी करने की कोशिश की गई है ताकि जो है एक
नयापन रहे गाड़ी में, सब कुछ सिमिलर टाइप हो जाता है ना तो थोड़ा सा नयापन नहीं रहता, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट चीज़ें करने की कोशिश की गई है। और जैसे कि आप देख रहे हैं सेम कलर का जो ट्रीटमेंट जो है आपको पूरी एसी वेंट्स से यहाँ तक आपको देखने को मिलता है, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है उस एसी वेंट से इस एसी वेंट तक। और बीच में यहाँ पर जो है ऑब्वियसली एमआईडी है, तो ये जो एमआईडी की हम बात कर लेते हैं अब एसी वेंट से हट के, तो एमआईडी की हम बात करें तो ये एमआईडी आपने ट्राइबर में भी देखी होगी, तो सेम है। इधर जो है आपको टेकोमीटर देखने को मिलता है, इधर आपको फ्यूल गेज है, उधर इंजन टेम्परेचर गेज है, यहाँ डिजिटली आपको स्पीड देखने को मिलती है, यहाँ कुछ कुछ नोटिफिकेशन जो है आते रहते हैं। ये जो बटन दिया हुआ है ना, यहाँ से विंडोज़ वगैरह लॉक हो जाती हैं और उसका नोटिफिकेशन जो है या फिर डिस्प्ले जो है वहाँ पर हो जाता है। और इसको जो कंट्रोल है हम यहीं से कर सकते हैं सेम ड्राइवर के, जैसे कुछ वार्निंग लाइट्स भी इसमें दी हुई हैं, जैसे कि सीट बेल्ट वगैरह की, ABS की, ब्रेक लाइट जो है इसमें दी हुई है, पार्किंग ब्रेक की, और फ्यूल इंडिकेट कर रहे हैं वहाँ पर क्योंकि इसमें फ्यूल लो है। अगर हम बात करें स्टीयरिंग व्हील की, जो RXT मॉडल है रेनॉल्ट काइगर का, उसमें जो है आपको इंफोटेनमेंट से रिलेटेड कंट्रोल आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं, वॉल्यूम अप डाउन और वॉइस कंट्रोल वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जो है आपको रेनॉल्ट का लोगो देखने को मिलता है जो कि क्रोम में दिया हुआ है, उसके आसपास जो है पियानो ब्लैक फिनिश दी हुई है, उसके बाद फिर वापस से एक छोटी पतली लाइन है जो कि क्रोम की है। और अगर हम स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ से नीचे एक लीवर है, उसे जब हम नीचे कर देंगे तो ये जो है ऐसे हम ऊपर नीचे टिल्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है इस गाड़ी में, टेलीस्कोपिक आपको नहीं मिलता है। अगर हम बात करें इस तरफ के तो यहाँ पर जो है आपको वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, और अगर हम बात करें इस तरफ तो आपको जो है इंडिकेटर और हेडलैम्प से रिलेटेड कंट्रोल जो है देखने को मिल जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील पर यहाँ पर जो है आपको एक पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है जो कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो अगर हम बात करें कि इस गाड़ी को स्टार्ट करने पर जो है इंजन किस तरह साउंड करता है, मतलब अंदर कितना वाइब्रेशन वगैरह आता है, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें जो स्टार्ट स्टॉप बटन हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और आप देख लीजिएगा कितना वाइब्रेशन है कितना नहीं है। तो ऑब्वियसली गियर लीवर पर जो है वाइब्रेशन नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत वाइब्रेशन जो इंजन के साउंड है ना वो हमें फील हो रही थी होती है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ देखिएगा आप, तो थोड़ा बहुत जो है गाड़ी हिलती है जब इंजन स्टार्ट होता है तब। तो ये थोड़ा सा क्या है 1 लीटर इंजन है इस वजह से इस तरह साउंड, और 3 सिलेंडर है मेनली इस वजह से भी ऐसा होता है। गियर लीवर पर जो है बिल्कुल भी वाइब्रेशंस नहीं है इसमें, तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है इस इंजन के बारे में। तो अगर हम बात करें स्टोरेज स्पेस के बारे में, तो यहाँ पर जो है आपको एक ग्लो बॉक्स देखने को मिलता है जो कि कूल्ड नहीं है, इसका जो साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा है, 2 लीटर की बोतल आ जाएगी इसमें लगभग। और ये भी जो है हमें स्टोरेज स्पेस देखने को मिलता है, और ये जो है इस ग्लोव बॉक्स में जो है आपको काफ़ी स्पेस देखने को मिल जाता है, और ये भी कूल्ड नहीं है। अगर हम बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो 8 इंचेस का जो है आपको टच स्क्रीन सिस्टम देखने को मिलता है जो कि RXZ में भी आता है, और इसमें 4 स्पीकर का सेटअप है जो टॉप मॉडल में आता है आर्केमीज़ का, वो इसमें नहीं है, ये RXT वेरियंट है। तो इसका टच एंड फील ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं टच कर रहा हूँ तो किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसमें आपको जो है रेडियो, मीडिया, फ़ोन, तरह तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और इसके नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपको AC वेंट देखने को मिलता है, तो इस मॉडल में आपको जो है एक इको मोड भी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर जो है एक पार्किंग लाइट्स के लिए स्विच दिया हुआ है, तो आपके यहाँ जो है ब्लिंकर्स ऑन हो जाएंगे। और उसके पास ही जो है आपको जो है लॉक और अनलॉक का स्विच है, यहाँ से आप अगर इसको दबाते हो तो गाड़ी जो है लॉक हो जाती है और यहीं से जो है अनलॉक भी हो जाती है। और इसके नीचे अगर हम बात करें तो आपको जो है वही ड्राइवर जैसे स्विचेस देखने को मिलते हैं, यहाँ से आप जो है पोजीशनिंग चेंज कर सकते हैं, आपको जो हवा मिल रही है उसकी, और यहाँ से जो है इसकी स्पीड, फैन स्पीड जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसको चेक करने के लिए आप जो देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं एक रेड कलर का जो है एक निशान दिया गया है, यहाँ से आप जो है देख सकते हैं कि कहाँ पर है फ़िलहाल। और इसके नीचे जो है एयर इंटेक जो है आप देख सकते हैं कि कहाँ से इंटेक करनी है, इसी को एयर बाहर से करनी है, एयर अंदर से करनी है। और यहाँ पर जो है टेम्परेचर सेट करने के लिए है, ठंडा गर्म उस तरह से आप जो है सेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कुछ जगह दी हुई है जहाँ आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं, और उसके ठीक नीचे आपको जो है यहाँ USB का पोर्ट दिया हुआ है जिससे आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, और स्टार्ट स्टॉप बटन भी इसमें आता है। तो फीचर्स में काफ़ी सही है, स्टार्ट स्टॉप बटन आपको RXT मॉडल में देखने को मिल जाता है। और यहाँ आपको जो है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है, और साथ में यहाँ काफ़ी स्पेस है जहाँ अपना मोबाइल, वॉलेट वगैरह रख सकते हैं।
और हम बात करें गियर लीवर की, तो आपको 5-speed का जो है गियर बॉक्स उसमें देखने को मिलता है, और उसके सराउंडिंग जो है आपको क्रोम देखने को मिलती है, और पियानो ब्लैक भी है ये, और नीचे भी जो है सराउंडिंग में आपको क्रोम दिया हुआ है, क्रोम इंसर्ट दिया हुआ है। यहाँ की अगर हम बात करें तो आपको जो है स्लाइडिंग इस तरह का एक सिस्टम देखने को मिलता है जी, मतलब ये जो ग्लव बॉक्स है या कहें स्टोरेज स्पेस, ये जो स्टोरेज स्पेस है ये आप इस तरह स्लाइड करके बंद और खोल सकते हैं यहाँ से इस तरह से, और ये भी काफ़ी बड़ा है, इसमें 1 लीटर की बोतल जो है आराम से आ जाएगी। हालांकि ये कूल्ड नहीं है तो बोतल तो यहाँ लोग नहीं रखेंगे, लेकिन काफ़ी सारा स्टोरेज एरिया जो है हमें मिल जाता है, और इसमें हमें एक आर्मरेस्ट भी देखने को मिलता है, तो ये एक अच्छा फीचर है, आराम से आप यहाँ पे हाथ रख के गियर वगैरह लगा सकते हैं। हालांकि ये स्लाइडिंग नहीं है, स्लाइड नहीं होता है, फिक्स्ड आपको आर्मरेस्ट देखने को मिलता है, और ये जो हैंड ब्रेक है इसका जो टिप है ये आपको क्रोम फिनिश में दिया हुआ है, और काफ़ी सही फील दे रहा है ये भी। इधर की तरफ जो है आपको ये मिलता है, और इसकी जो सीट्स हैं वो हमें फैब्रिक में देखने को मिलती हैं, कुछ इसका जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह का है। हालांकि ऑब्वियसली सब लोग सीट कवर लगवा लेते हैं, फैब्रिक सीट्स लोग ज़्यादा दिन यूज़ नहीं करते हैं। इसका जो डोर का डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, और इस तरह का आपको ग्रैब हैंडल यहाँ पर देखने को मिलता है, और कुछ इस तरह के आपको जो है यहाँ पर लॉक अनलॉक स्विच देखने को मिलते हैं। तो ये गोल वाले से तो ज़्यादा सही लग रहे हैं, ड्राइवर में जैसे आते हैं गोल वाले तो उससे ज़्यादा अच्छा ये वाला लग रहा है कंपेयर हम करें तो। यहाँ वैनिटी मिरर मिल जाता है पैसेंजर साइड में, और सनशेड भी है। सनशेड की अगर हम बात करें तो सनशेड जो है इतना स्पेस छूट जाता है ऑब्वियसली, तो यहाँ से आपको धूप आती ही रहेगी, और यहाँ पर जो है फिक्स्ड आपको ग्रेप हैंडल देखने को मिल जाते हैं, और केबिन लाइट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, तो यहाँ पे आपको केबिन लाइट देखने को मिलती है, और ये जो IRVM है वो आपको डे नाइट जो है मैनुअल देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो है आपको माइक देखने को मिल जाता है, और सनशेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है एक टिकट होल्डर आपको दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें नीचे की तो यहाँ आपको ABC पेडल देखने को मिलता है, किसी भी तरह का आपको जो है डेड पेडल आपको देखने को नहीं मिलता है, ये टर्बो वेरिएंट है तो इस वजह से इसमें जो है इको मोड आपको देखने को मिल जाता है। तो अब यहाँ पर जो है इस यहाँ की हम बात करें तो यहाँ से आप जो है हेडलैम्प को लेवल कर सकते हैं, हेलोजन हेडलैम्प इस मॉडल में आपको अवेलेबल है, और यहाँ नीचे जो है आपको फ्यूल लिड खोलने के लिए ओपनर दिया हुआ है। अब जो है मैं इस सीट को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ, ताकि मुझे पीछे जो है पीछे का स्पेस ताकि मैं आपको बता सकूँ। तो यहाँ मैंने काफ़ी जगह रखी है अपने लिए, ताकि मेरा जो पैर जो है यहाँ टच नहीं हो। इस तरह आप देख सकते हैं मेरी हाइट, फॉर रेफरेंस मैं आपको बता देता हूँ, मेरी हाइट जो है 5'8" है। और कुछ और फीचर्स के बारे में हम बात करें तो ओबियसली जो स्टैंडर्ड फीचर्स है BA CBD, इसमें इस मॉडल में हमें जो है 4 एयरबैग देखने को मिलते हैं, 2 फ्रंट में और 2 साइड एयरबैग्स हमें देखने को मिल जाते हैं, 2 कर्टन एयरबैग इसमें अवेलेबल हैं। तो अब चलते हैं पीछे की तरफ देखते हैं कैसा इसमें स्पेस हमें मिलता है। तो हम बात करें पीछे के दरवाजे के बारे में, तो यहाँ पर जो है आपको पावर विंडो का कंट्रोल देखने को मिल जाता है, और इनसाइड डोर ओपनर जो है ब्लैक कलर में दिया हुआ है, और यहाँ पर स्पीकर है, और यहाँ पर जो है 1 लीटर का बोतल होल्डर आपके लिए अवेलेबल है। तो अंदर चलते हैं और अंदर के स्पेस की हम बात करते हैं। यहाँ से पकड़कर जो है आप दरवाज़ा बंद कर सकते हैं, और ये जो है वापस पीछे भी इस तरह का ट्रीटमेंट, डिफरेंट ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। तो भैया स्पेस अगर मैं बात करूँ मेरी हाइट के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा है। आपको 222 mm का जो है ऐसा बताते हैं ब्रोशर में कि 222 mm का जो है यहाँ स्पेस अवेलेबल है, मोर देन एनफ है यार, मोर देन। अगर मैं थोड़े से पीछे भी कर लूँगा ना, बहुत ज़्यादा आराम से अगर ड्राइवर बैठेगा, बहुत ज़्यादा रिक्लाइन होकर बैठेगा, तो भी जो है काफ़ी ज़्यादा नी रूम तो बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है। मतलब ऐसे आराम से मैं जो है अपने लेग्स को स्ट्रेच कर सकता हूँ। अगर मैं नी रूम और थाई सपोर्ट की बात करूँ तो नी रूम भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, और थाई सपोर्ट भी जो है काफ़ी अच्छा अवेलेबल है इसमें। और अगर हम बात करें हेडरूम के बारे में तो हेडरूम भी जो है लगभग इतना मुझे अवेलेबल हो रहा है। आपको इसमें जो है कुछ इस तरह के एडजस्टेबल आपको जो है हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं, बीच वाले पैसेंजर के लिए आपको किसी भी तरह का हेडरेस्ट देखने को नहीं मिलता है, और 3 लोग बैठ सकते हैं इजीली, आराम से बैठ जाएंगे। 2 काफ़ी हट्टे कट्टे लोग हैं, और बीच में थोड़ा सा कम हट्टा कट्टा इंसान जो है बैठ जाएगा।
अगर हम बात करें कुछ और फीचर्स के बारे में, तो यहाँ जो है ड्राइवर और पैसेंजर दोनों तरफ आपको जो है ये जो है यहाँ पर मैगजीन होल्डर देखने को मिल जाते हैं। रियर एसी वेंट अवेलेबल है यहाँ पर, तो ये भी एक अच्छी बात है, हमारे इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। और नीचे आपको जो है एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है। पीछे का जो हम्प है वो ना के बराबर है, लगभग आधे इंच का ही है, तो बीच वाले पैसेंजर को बैठने में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो फैब्रिक सीट्स में अवेलेबल हैं, सीट बेल्ट जो है आइसोफिक्स के लिए भी इसमें ऑप्शंस हैं। और पीछे भी है जो है एक इल्यूमिनेशन आपको मिल जाता है यहाँ पर, पीछे भी एक केबिन लैंप दिया हुआ है जो कि हेलोजन में है, एलईडी में नहीं है। RX-T वेरिएंट में हम बैठे हैं और यहाँ पर जो है इनसाइड ग्रेब हैंडल भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है। विंडो एरिया जो भी है वो भी सही है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन सही साइज का, थोड़ा सा और डाउन होता तो ज़्यादा अच्छा रहता लेकिन ठीक है, मतलब इस तरह जो चौड़ाई में जो है काफ़ी सही स्पेस इसमें है। और अगर हम पीछे की बात करें तो पीछे का लुक कुछ इस तरह का है, पीछे आपको पार्सल ट्रे देखने को मिल जाती है RX-T वेरिएंट में। और आपको मैं डैशबोर्ड का एक लुक दे दूं तो कुछ इस तरह का जो है डैशबोर्ड का लुक है पीछे की सीट से। तो हम बढ़ते हैं अब पीछे की तरफ, बूट में देखते हैं कि बूट में जो है कितना स्पेस है इसके अंदर। तो बूट खोलने के लिए आपको जो है यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है स्विच दिया हुआ है, तो इसको दबाएंगे तो यहाँ से जो है बूट ओपन हो जाता है। बूट जो है आपका 405 लीटर का है और ये जो काफ़ी गहरा है, मतलब इतना पूरा हाथ मेरा जा रहा है, तो लोडिंग लिप जो है थोड़ी ज़्यादा है। और इसकी जो सीट्स हैं वो आपको 60-40 में जो है आप स्प्लिट हो सकती है RX-T वेरिएंट की। और यहाँ पर कुछ आपको जो है लगेज हुक भी देखने को मिलता है दोनों तरफ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और अगर हम बात कर लें स्पेयर टायर की, तो आप स्पेयर टायर जो है आपको 185/65 R615 15 इंचेस का दिया हुआ है, तो एक इंच कम है, तो थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग तो होती है। RX-T मॉडल है ना ये जो काफ़ी फीचर रिच है, और तो अगर किसी को टॉप मॉडल नहीं चाहिए तो RX-T वेरिएंट जो है उसके लिए सबसे बेस्ट वेरिएंट बन जाता है, टर्बो में भी, क्योंकि टर्बो में भी इसकी प्राइसिंग जो है सही है। तो एक बार और देख लीजिए इसका रियर लुक। तो यहाँ पर जो है बोनट खोलने के लिए एक लीवर आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, तो बोनट खुल जाता है। फिर अगर हम बात करें इसके इंजन के बारे में, तो दोस्तों इसमें जो है 100 PS की पावर आपको देखने को मिलती है। जी हाँ, 100 PS, क्योंकि ये टर्बो इंजन है, इस वजह से इसका पावर थोड़ा ज़्यादा है। और 160 न्यूटन मीटर का आपको जो है टॉर्क इसमें अवेलेबल हो जाता है। तो 3 सिलेंडर ये इंजन है, कुछ इस तरह का जो है इंजन बे है इसका, और यहाँ थोड़ी बहुत जो है इंसुलेशन आपको देखने को मिल जाती है। तो बोनेट को हम कर देते हैं बंद।